पॉइस पुली फॉर्मूला, पॉइस यू आई डबल एल ई पॉइस पुली फॉर्मूला, ठीक है भैया, पॉइस पुली फॉर्मूला, ठीक है भैया, ध्यान रखना भैया कुछ खास है नहीं। ये क्या बताता है भैया कि ये बताता है कि कोई पाइप है और उस पाइप से लिक्विड पर सेकंड में कितना फ्लो कर रहा है। एक पाइप है जिससे लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये भैया वो लिक्विड किस रेट से फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है, किन किन फैक्टर्स पे वो लिक्विड का फ्लो डिपेंड कर रहा है, तो जो रिलेशन आएगा हमारा उसे हम पॉइस पुली फॉर्मूला कहते हैं, पी ओ आई एस सी यू आई डबल एल पी पॉइस पुली फॉर्मूला, ठीक है भैया। तो भैया यहाँ पे पॉइस लिखी भैया, पॉइस पुली फॉर्मूला के बारे में लिखी भैया, ठीक है, दी वॉल्यूम ऑफ लिखी भैया, the volume of liquid, the volume of liquid flowing out, the volume of liquid flowing out, the volume of liquid flowing out per second through a horizontal tube, per second through a horizontal tube, horizontal tube tube of length L per second, लिखा दोबारा रिपीट कर रहा हूं, the volume of liquid flowing out per second through a horizontal tube of length L comma radius R under a pressure difference P Given by अरे यार मत बुलवा भाई इतना, तो रिपीट कर दे रहा एक बार और, ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ भैया, लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ लेंथ एल रेडियस आर अंडर अ प्रेशर डिफरेंस पी Across its end is given by Poise pulley formula फ्लो ऑफ लिक्विड इज यूनिफॉर्म। हमें मान के चलना कि जो पाइप में लिक्विड का फ्लो हो रहा है वो क्या भैया यूनिफॉर्म है, ठीक है भैया। आपने कई बार देखा होगा जब पाइप में बहुत तेज लिक्विड जाता कहीं से ज्यादा कहीं से कम, ठीक है, तो इस तरीके का फ्लो नहीं है, ठीक है, जो फ्लो है वो यूनिफॉर्म, मतलब एक फ्लो है, जो फ्लो है ना उसके अंदर पाइप का और लिक्विड का पाइप के अंदर, वो क्या भैया यूनिफॉर्म है, उसके रेट में चेंज नहीं आ रहा, ना वो बढ़ रहा है ना वो कम हो रहा है, ठीक है भैया। भैया फ्लो ऑफ लिक्विड इज यूनिफॉर्म and parallel to the axis of tube, and parallel to the axis of tube. Second assumption, the pressure difference is constant inside the tube at any point. The pressure difference is constant inside the tube at any point. अगर भैया tube के अंदर हर एक point पर pressure difference की value और जी क्या same होनी चाहिए, यहाँ पर भी वही pressure, वहाँ पर भी वही pressure, यहाँ पर भी tube में किसी भी point पर जाओगे आपको pressure की value क्या मिलनी चाहिए same मिलनी चाहिए। अगला क्या भैया, और ये बहुत ज़्यादा important point है, attention, ठीक है भैया, the liquid velocity is zero.
लिक्विड वेलोसिटी, अभी सारी एजम्पशन को समझा दूंगा भैया, अभी सारी एजम्पशन को समझा दूंगा, ठीक है भैया, रखना। द लिक्विड वेलोसिटी इज जीरो एट द वॉल ऑफ ट्यूब, एट द वॉल ऑफ ट्यूब द लिक्विड वेलोसिटी इज जीरो एट द वॉल ऑफ ट्यूब एंड इंक्रीजेस टूवर्ड्स द एक्सिस ऑफ ट्यूब, एंड इंक्रीजेस टूवर्ड्स द एक्सिस ऑफ ट्यूब and increases towards the axis of tube. Our last assumption hai ki gravity does not, no influence of gravity. Ye likh dijiye bhaiya, no influence of gravity. No influence of gravity. Gravity ka kisi prakar se koi bhi influence nahi hai. Gravity ka किसी प्रकार से कोई भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि पाइप क्या भैया ओरिजेंटल है, और जब पाइप आपकी ओरिजेंटल रहेगी तो हर जगह आगे ग्रेविटी क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी, और जब ग्रेविटी हर जगह पे सेम है तो इसका मतलब ग्रेविटी का कोई इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं है, ठीक है भैया, ध्यान में रखो भैया पहली अजम्पशन को जल्दी से, ये भैया तो कह रहे भैया जो पाइप है, पाइप के अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो फिक्स रेट से फ्लो करना चाहिए, मतलब हर हमेशा यूनिफॉर्म रहना चाहिए। यहाँ पर भी उत्तर अगर मान लीजिए एक सेकंड में यहाँ इतने इस वाले एंड से वाले पॉइंट से एक सेकंड में एक लीटर पानी जाता है, तो यहाँ पर भी एक सेकंड में एक लीटर पानी जाना चाहिए, यहाँ पर भी एक सेकंड में एक लीटर पानी जाना चाहिए, यहाँ पर भी एक सेकंड में एक लीटर पानी जाना चाहिए, ठीक है भैया, तो इसका मतलब लिक्विड का फ्लो क्या भैया यूनिफॉर्म है। दूसरी असम्पशन है भैया, भैया कह रहे हैं प्रेशर हर पॉइंट पर क्या होना चाहिए भैया कॉन्स्टेंट होना चाहिए, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा ना हो, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा ना हो, हर जगह पर प्रेशर की वैल्यू क्या भैया सेम होनी चाहिए, ट्यूब के अंदर हर जगह पर प्रेशर की वैल्यू क्या होनी चाहिए भैया एक जैसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो, यहाँ पे कम हो, यहाँ पे कम हो, यहाँ पे कम हो, हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते भैया, अभी फॉर्मूला ड्राइव करने आ रहे हैं, ठीक है भैया। और फिर तीसरा कह रहे भैया आपको मैंने बताया था कि अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड ये जैसे ट्यूब है आपकी, ठीक है, ये आपकी ट्यूब है, ठीक है भैया, ट्यूब से लिक्विड का फ्लो हो रहा है, ठीक है भैया, तो कह रहा है जो लिक्विड वॉल के इस ट्यूब के वॉल के कांटेक्ट में होगा, जो लिक्विड इस ट्यूब के वॉल के कांटेक्ट में होगा उसकी वेलोसिटी हम क्या लेके चलेंगे भैया जीरो, जो लिक्विड ट्यूब के वॉल के कांटेक्ट में होगा उसकी वेलोसिटी हमें क्या लेके चलनी है जीरो। यहां पर भी जितने भी चारों किनारे पर मतलब जो किनारा है ट्यूब का जो किनारा है उस किनारे के कांटेक्ट में जो भी लिक्विड होगा उसकी वेलोसिटी को आपको जीरो लेके चल रहा है, ठीक है भैया, और जब हम इसके सेंटर एक्सिस की तरफ आते हैं तो वेलोसिटी क्या हो भैया इंक्रीज हो जाती है, जब हम एक्सिस की तरफ, ये एक्सिस है, ठीक है भैया, जब हम वॉल से एक्सिस की तरफ आते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है भैया आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है भैया, एक एजम्पशन ये है। और लास्ट एजम्पशन थी कि भैया ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस यहाँ पर हमें नहीं लेना, ग्रेविटी किसी प्रकार का रोल नहीं करती, अगर पाइप ऐसी होती तो भैया ग्रेविटी अपना इन्फ्लुएंस दिखाती और पानी को नीचे की तरफ खींच लेती, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि पाइप तो हॉरिजॉन्टल है तो ग्रेविटी हर जगह पर क्या लगी भैया सेम लग रही है, लिक्विड को खींच नहीं रही, लिक्विड के फ्लो में अपना कोई रोल प्ले नहीं कर रही, ठीक है भैया, अगर पाइप हॉरिजॉन्टल ना होकर के इस तरीके से होती या ऐसा वर्टिकल होती ये भैया तो उस केस में क्या होता भैया कि ग्रेविटी अपना इन्फ्लुएंस दिखाती और लिक्विड के फ्लो में फेवर या अगेंस्ट में आती, ठीक है भैया, लेकिन जैसा कि आपको पता है पाइप हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल पाइप में ग्रेविटी तो लगेगी लेकिन उसके फ्लो में इसका कोई रोल नहीं रहेगा। बेटा अजम्पशन किसको किसको क्लियर है सबको, किसको किसको अजम्पशन क्लियर है, हाथ लगा लीजिए सारी जल्दी से हाथ लगा लीजिए जिसको इसको अजम्पशन क्लियर है, मेरा चिल्लाना किसको किसको सुन में आ गया, ठीक है, हेलो बढ़िया, ठीक है भैया, ये हमारी अजम्पशन थी, इस अजम्पशन को ध्यान रखना, ठीक है भैया, आगे बढ़ते भैया, चलो एक सेकंड रुकना बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, भैया अब हम आते हैं सीधा डेरिवेशन पे, ठीक है भैया, पॉइजुली ये ध्यान रखना पॉइजुली फॉर्मूला हमेशा हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए वैलिड होता है, वर्टिकल पाइप के लिए वैलिड नहीं होता, पता लग गया ना भैया क्यों, आपको पता ना भैया क्योंकि पॉइजुली फॉर्मूले में ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस नहीं डालते, अगर पाइप आपकी वर्टिकल होगी तो ग्रेविटी अपना इन्फ्लुएंस दिखाएगी और फ्लो में अपना रोल अपना पार्टिसिपेशन करेगी, लेकिन हम जानते भैया यहाँ पर ग्रेविटी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है तो इसका मतलब पाइप शुड बी
अजटन पाइप हमेशा क्या होनी चाहिए भैया, अजटन होनी चाहिए। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। आप बात करते हैं भैया पॉइज़ली फॉर्म देंगे। ठीक है भैया, तो यहाँ पर जो जिस लिक्विड के फ्लो की बात करूंगा वो लिक्विड है पर सेकंड का वॉल्यूम फ्लोइंग थ्रू द पाइप पर सेकंड। तो वॉल्यूम वॉल्यूम फ्लोइंग थ्रू द हॉरिजॉन्टल पाइप, हॉरिजॉन्टल पाइप पर सेकंड होता है भैया वॉल्यूम अपॉन में टाइम। ठीक है भैया, यही तो होता है वॉल्यूम अपॉन में टाइम का, तो वॉल्यूम फ्लोइंग थ्रू द पाइप पर सेकंड। ठीक है भैया, वॉल्यूम समझ में आता है भैया, वॉल्यूम फ्लोइंग थ्रू द हॉरिजॉन्टल पाइप पर सेकंड, ये होता है वॉल्यूम अपॉन में टाइम। और इसको हमने लिख दिया भैया कैपिटल बी, कैपिटल बी का मतलब होता है वॉल्यूम पर सेकंड। यहाँ पर हम लिख रहे हैं भैया कैपिटल बी को वॉल्यूम पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में या पर यूनिट टाइम में जो वॉल्यूम फ्लो कर रहा है पाइप से। ये पाइप बना दे रहा हूं भैया, ये पाइप की रेडियस है, ये पाइप की लेंथ है एल है। ठीक है भैया, और इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है भैया, उसकी विस्कोसिटी क्या भी है ईट है, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी विस्कोसिटी क्या भी है ईट है। ठीक है भैया, ध्यान रखना। और इस दोनों एंड के अक्रॉस में जो प्रेशर डिफरेंस है वो पी है। क्या भैया, दोनों एंड के भैया अगर पानी का फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब दोनों एंड पे प्रेशर डिफरेंस होगा। क्यों, अगर पानी का अलग भैया, अगर यहाँ पर भी वही प्रेशर होगा, यहाँ पर भी वही प्रेशर होगा, दोनों एंड पर सेम प्रेशर होगा, तो क्या लिक्विड का फ्लो होगा? अगर दोनों एंड पर सेम प्रेशर होगा तो क्या लिक्विड का फ्लो होगा? नहीं होगा। ठीक है, अगर दोनों एंड पर यहाँ पर और यहाँ पर दोनों एंड पर हमने सेम प्रेशर लगाया है तो लिक्विड का फ्लो नहीं होगा। ठीक है भैया, इसीलिए आपने देखा होगा भैया जब आप मोटर चलाते हो तो मोटर से नीचे प्रेशर जनरेट होता है और लिक्विड का क्या करता है टंकी में आके गिरता है, क्योंकि टंकी में कम प्रेशर होता है और जहां मोटर लगी होती है वहां पे ज्यादा प्रेशर होता है, तो लिक्विड का फ्लो हमेशा क्या होता है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, यानी मोटर के वहां पे ज्यादा प्रेशर है और टंकी में जहां पे पानी गिर रहा है वहां पे कम प्रेशर, यानी दोनों एंड पर प्रेशर डिफरेंस है तभी लिक्विड का फ्लो हो पा रहा है। अगर पाइप बहुत ज्यादा ऊंची हो जाए वहां पर प्रेशर भी क्या होगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और मोटर का ही प्रेशर उतना ही रहेगा, दोनों एंड पर अगर सेम प्रेशर रहेंगे तो पानी टंकी में नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा अगर आपकी छत ज्यादा ऊंची है तो आपको पानी चढ़ाने के लिए ज्यादा बड़ी मोटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा बड़ी मोटर ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है, ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने से क्या प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा और प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड चढ़ पाएगा। लेकिन अगर छोटी मोटर रहती है तो उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाती उस वाले एंड पर से, वहां से छत से जो प्रेशर आ रहा है और जो आपका मोटर जो प्रेशर क्रिएट कर रही है दोनों प्रेशर क्या है भैया सेम है, इसलिए पानी नहीं चढ़ पाएगा। तो पानी चढ़ने की भी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों एंड पर प्रेशर होना चाहिए। अगर इस लिक्विड इस ट्यूब में पानी का फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब इन दोनों एंड पर अलग अलग प्रेशर, यानी प्रेशर डिफरेंस है। तो प्रेशर डिफरेंस क्या भैया पी है, पी क्या भैया आपका प्रेशर डिफरेंस। यहाँ पे लिख देता हूँ भैया आर क्या रेडियस ऑफ ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब या पाइप बोल सकते हो। एटा क्या भैया विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड ठीक है। एल क्या लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप ठीक है। पी क्या है प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस और प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस दी, अक्रॉस दी ट्यूब, ट्यूब के अक्रॉस में जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्या है आपका पी है। ठीक है भैया, ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है और अभी हमें डेरिवेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है भैया, तो चलो देखते हैं भैया। तो कह रहा है भैया जो वॉल्यूम पर सेकंड है, वॉल्यूम पर सेकंड ये डिफाइन कर रहा भैया देखिए हम डायमेंशन एनालिसिस से, डायमेंशन एनालिसिस एक मेथड होता है उसी के थ्रू हम डेराइव करेंगे। ठीक है भैया, इसकी कोई ऐसी स्पेसिफिक डेरिवेशन नहीं है। ठीक है भैया, जो वॉल्यूम पर सेकंड है यानी वॉल्यूम अपॉन में टाइम यानी वी है वो डिपेंड करता भैया प्रेशर पे। ठीक है भैया, जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे जाहिर सी बात है किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है भैया, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है भैया, विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा है भैया, किस पे रेडियस पे, और एक और फैक्टर है डिपेंड कर रहा है भैया लेंथ पे। ठीक है भैया, लेंथ पे। तो एक बात ध्यान रखना भैया, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने चार फैक्टर बना दिए, यहाँ पे हमने चार फैक्टर है हमारे पास। ठीक है भैया, और हम जानते हैं डायमेंशन एनालिसिस से जब हम डेरिवेशन करते हैं, ध्यान दीजिए भैया
जब भी हम डायमेंशन एनालिसिस से डेरिवेशन करते हैं, किसी भी डेरिवेशन को अगर हम करते हैं डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू, तो वहां पे कम से ज्यादा तीन फैक्टर होने चाहिए, यहाँ पर चार फैक्टर है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इन चार फैक्टर को तीन फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो भैया आपको बता दूं, पी अपॉन में एल जो होता है उसे कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इसे प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, या प्रेशर पर यूनिट लेंथ कहते हैं। ठीक है भैया, तो प्रेशर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ये एक क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है भैया, तो हमने इसे चार क्वांटिटी बना ली, मिला पी अपॉन में एल लिख दिया, पी अपॉन में एल। ठीक है भैया, जब भी आपके पास चार क्वांटिटी डायमेंशन के थ्रू आपको फॉर्मूला ड्राइव कर रहा है और वहां पे चार फैक्टर पे आपका डिपेंड कर रही है क्वांटिटी, ठीक है भैया, यहाँ पे जो वॉल्यूम पर सेकंड है वो पी पे भी डिपेंड कर रहा है, एल पे भी डिपेंड कर रहा है, एटा पे भी डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर इस तरीके से चार क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है तो आपको क्या पता है भैया कि यहाँ पर तो चार क्वांटिटी की डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने क्या किया भैया, इसको तीन क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया, यानी पी अपॉन में एल कर दिया। पी अपॉन में एल क्या कहलाता है भैया, प्रेशर ग्रेडियंट या प्रेशर पर यूनिट लेंथ कहलाता है, एक अलग क्वांटिटी होती है। ठीक है भैया, इसका मतलब होता है कि एक यूनिट लेंथ पे कितना प्रेशर लग रहा है। ठीक है भैया, एक यूनिट लेंथ पर जो प्रेशर लग रहा है वो पी अपॉन में एल कहलाता है, इसे प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है भैया, अब इसको हमने क्या किया, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये आपकी तीसरी इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को कंबाइन किया तो क्या हो गया भैया, V is directly proportional to क्या हुआ, PL eta, और ये क्या हो गया, R हो गया। अगले स्टेप में अगर आपको याद होगा हम क्या करते थे भैया, proportionality का साइन हटाते थे। ये भैया तो क्या होता था भैया, यहाँ पे कॉन्स्टेंट आता था, proportionality का साइन हटते के साथ ही क्या होता था भैया, एक कॉन्स्टेंट आता था। ये भैया एक कॉन्स्टेंट आता था, उसके बाद हम P upon में L की पावर को लिख देते थे, A एटा की पावर को लिख देते थे, बी और आर की पावर को लिख देते थे, सी। किसको किसको याद है भैया, ये किसको किसको याद है भैया, डायमेंशन के थ्रू डेरिवेशन, डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू डेरिवेशन किसको किसको याद है, ये डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू डेरिवेशन करते थे हम छोटी क्लास में। ठीक है भैया, वहां पर हमने छोटी क्लास में क्या, इसी क्लास में करते थे, छोटी क्लास में भैया, उसमें हम जिन जिन फैक्टर पे डिपेंड करती थी क्वांटिटी सीधा उसको एज इट इज लिख देते थे। यहाँ पे वॉल्यूम पर सेकंड जो है वो इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली भी कर सकता है, इनवर्सली भी कर सकता है, इससे मुझे जब मैं डायमेंशन पे डायमेंशन के थ्रू डेरिवेशन करता हूँ इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कि किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, बस डिपेंड कर रहा है तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते जाइए, उसके बाद सारी इक्वेशन को कंबाइन कर दीजिए, उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वेट कर दीजिए। ठीक है भैया, इसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, और जैसे हमने इक्वेट किया तो पी अपॉन में एल की पावर ए, रो की पावर क्या हुई बी, आर की पावर क्या हुई सी, तब की पावर हमने लगा दी। ठीक है भैया, एक बार फोटो ले लीजिए, मैं इसको मिटो रहा हूँ, ठीक है भैया, डायग्राम मिटो रहा हूँ। ठीक है भैया, ठीक है, तो मिट गया भैया, अब ये मिटो दिया हमने डायग्राम। ठीक है, अब क्या करते हैं भैया, सबके डायमेंशन को रखते हैं, क्या रखते हैं, डायमेंशन को, ये डायमेंशन रखते हैं, ठीक है, वॉल्यूम पर सेकंड, ये क्या है भैया, ये वॉल्यूम पर सेकंड है, तो वॉल्यूम पर सेकंड का डायमेंशन क्या हुआ, एल की पावर थ्री टी की पावर माइनस वन। ठीक है भैया, किसको किसको याद है भैया, वॉल्यूम पर सेकंड का, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम का क्या हुआ भैया, एल की पावर थ्री और सेकंड का क्या हुआ टी, वॉल्यूम का हुआ एल की पावर थ्री और सेकंड का क्या हुआ टी, तो टी ऊपर जाएगा क्या हुआ एल की एल की पावर थ्री टी की पावर माइनस वन, के का कोई डायमेंशन नहीं होता क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। अगर आपको याद होगा भैया प्रेशर का डायमेंशन, तो प्रेशर का डायमेंशन एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, नीचे क्या ऑलरेडी लेंथ है आपकी, लेंथ का डायमेंशन क्या होता भैया एल, देखिए प्रेशर का डायमेंशन यहाँ पे ए लिख दिया, लेंथ का डायमेंशन यहाँ पे एल लिख दिया, पावर क्या गया एल, भैया नीचे थीटा है, मैंने आपको कल ही बताया था ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है और इसका डायमेंशन होता है एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन, इसकी पावर क्या गया भी, और आर क्या भी आपकी रेडियस है, रेडियस रेडियस क्या होती है लेंथ होती है, लेंथ की पावर क्या होगी भी आपकी सी होगी। ठीक है भैया, ये सबके हमने डायमेंशन लिख दिया, ठीक है भैया, बता दू यहाँ पे साइड में डायमेंशन लिख दिया, तो विस्कोसिटी का डायमेंशन होता है एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन, ठीक है भैया, ये विस्कोसिटी का डायमेंशन है, और ये प्रेशर का डायमेंशन जो होता है एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, ये प्रेशर का डायमेंशन है। ठीक है भैया, डायमेंशन फॉर्मूला आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया गया, सेकंड चैप्टर में, ठीक है भैया, तो देखते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो एल की पावर थ्री टी की पावर माइनस वन,
इधर क्या हो जाएगा भैया, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा एम एल की पावर एक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा एल की पावर माइनस दो, टी की पावर माइनस दो, ठीक है। पावर क्या है इसकी ए, यहाँ पे एम की पावर एक है, एल की पावर माइनस वन है, टी की पावर माइनस वन है, ठीक है भैया। इसकी पावर क्या है बी है, यहाँ पे एल की पावर एक है, इसकी पावर सी है, यहाँ पर भी एक ही है, जब पावर नहीं होती तो इसका मतलब पावर क्या भैया एक है, ठीक है। इधर देखिए भैया, इधर एम एल टी है, इधर भी एम एल टी है, इधर भी एल है, यानी यहाँ पर एम नहीं है। तो आपको याद है जो राइट साइड में जो चीजें होती है, अगर वो लेफ्ट साइड में नहीं होती तो उसकी पावर जीरो करके लिख देते हैं। इधर एम तो इधर इधर एम है, इधर एम नहीं है तो हमने क्या लिख दिया, एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर माइनस वन, ठीक है भैया। जो अगर और भी चीज होती तो उसकी पावर साइड में जीरो करके लिख देते, ठीक है भैया। आप देखिए एम की पावर ए और उसकी पावर ए, तो एम की पावर ए गुणा में ए क्या होगा, एम की पावर ए, ठीक है भैया। एम की पावर क्या हो गया बी, ठीक है भैया, एम की पावर बी, और एम तो है, चलो आप देखते हैं एल देखते हैं, एल की पावर माइनस टू है, इसकी पावर ए है, तो एल की पावर माइनस टू है, ठीक है भैया। एल की पावर माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, एल की पावर सी हो गया, ठीक है भैया, ये हो गया। उसके बाद टी की पावर देखते हैं, टी की पावर क्या भैया माइनस टू है, ठीक है, टी की पावर माइनस क्या हो गया भैया बी हो गया, माइनस बी, और टी टी नहीं है, ठीक है भैया, और टी नहीं है बस, ठीक है भैया। आप देखिए एम की पावर जीरो, एल की पावर थ्री, टी की पावर माइनस वन, ठीक है भैया। अब इधर भी देखिए सेम बेस होते हैं तो पावर क्या करते हैं भैया, अगर बेस सेम होता है तो आप लोग पावर को ऐड कर देते, ठीक है भैया। तो एम की पावर ए, एम की पावर बी, तो एम की पावर ए प्लस बी हो गया। एल की पावर देखिए भैया, एल की पावर माइनस टू ए, एल की पावर माइनस बी, एल की पावर प्लस सी, यहाँ पर भी बेस हमारे सेम थे, हमने पावर को ऐड कर दिया। सेम टी की पावर देखिए भैया माइनस टू ए है, और टी की पावर माइनस बी है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया भैया, पावर को ऐड कर दिया, ठीक है भैया। उसके बाद फिर बेटा यहाँ तक क्लियर है, किसको किसको क्लियर है, जिसने डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा होगा उसको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, जिसको डायमेंशन एनालिसिस का 1% भी आता होगा उसको क्लियर होगा ये, ठीक है भैया, डायमेंशन, ठीक है भैया। अब इसको नहीं आता तो यार थोड़ा पढ़ लेना डायमेंशन वाला, ठीक है। ये मिटोरो भैया मैं इस साइड में, ठीक है, इस साइड ये तो साइड होगी, मैं ये साइड में मिटोरो, ठीक है। ये हो गया m की पावर जीरो, m इसके बराबर होगा, m की पावर जीरो बराबर में m की पावर a प्लस बी, m से m क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी क्या हो गया भैया जीरो आ गया, ये पहली इक्वेशन आ गई। l की पावर इसके बराबर होगी, तो l की पावर थ्री बराबर में l की पावर माइनस टू ए माइनस बी और प्लस सी, l से l क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो थ्री इक्वल्स टू माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है भैया। ऐसे ही ये इसके बराबर होगा, ठीक है भैया, तो टी की पावर माइनस वन इक्वल्स टू में टी की पावर माइनस टू ए माइनस बी, टी से डी क्या कैंसिल हो गया, तो माइनस वन इक्वल्स टू में माइनस टू ए माइनस बी, ठीक है भैया। एक इक्वेशन आपकी ये होगी, ठीक है भैया, पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन ये हो गई, और तीसरी इक्वेशन ये हो गई, ठीक है भैया। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे यहाँ पे आपको ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, ए की, बी की और सी की। तो भैया ए की जो वैल्यू आती है भैया बता दूंगा आपको, ए की वैल्यू आएगी, आप सॉल्व करोगे इस पूरे को, आपके ए की वैल्यू जो आ रही है वो भैया आ रही है माइनस वन, ए की वैल्यू आई है माइनस वन, तीनों इक्वेशन को। और उसके बाद भैया बी की वैल्यू देखोगे तो बी की वैल्यू आएगी चार, और सी की वैल्यू आएगी आपकी एक, ठीक है भैया। ये तीनों इक्वेशन को, पहली इक्वेशन ये रही भैया, दूसरी इक्वेशन ये रही भैया, और तीसरी इक्वेशन आपकी ये है, ठीक है भैया। इन तीनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे, इसको 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 क्या करना है, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेना जो कि माइनस बी आएगी, यहाँ पे माइनस बी रख देना ए की वैल्यू, और यहाँ पर भी माइनस बी रख देना, ठीक है भैया। उसके बाद सॉल्व करना, ए बी सी तीनों की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ए बी सी हमारी वैल्यू, ए की वैल्यू आएगी माइनस वन, बी की वैल्यू आएगी चार, और सी की वैल्यू आएगी प्लस वन, ठीक है भैया। जब इन सारी वैल्यू को हमने क्या किया भैया, इक्वेशन मैंने बनाई थी आपको याद होगा, अभी पीछे तीन शॉट पे देख लीजिएगा, हमारी इक्वेशन थी v इक्वल्स टू में k p अपॉन में, इसकी पावर a थी और उसके पावर भैया क्या थी, इनका की पावर b थी और r की पावर c थी। यहाँ पे a की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर b की वैल्यू रखनी है, और यहाँ पर हमें c की वैल्यू रखनी है। v इक्वल्स टू में k p अपॉन में l, a की वैल्यू क्या रखी है भैया, a की वैल्यू रखी है माइनस वन, तो इसको माइनस वन लिख दीजिए भैया, ठीक है भैया,
माइनस वन लिख दीजिए, ठीक है। एक मिनट भैया, ए की वैल्यू माइनस वन, ठीक है। एक मिनट जाओ, अरे एक मिनट, इसने ए बी सी अलग अलग ले रखा है, ठीक है, हमारी वैल्यू ये नहीं आएगी। एक बार सॉल्व करना भैया, तो सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है भैया, पहले डाल दिए। तो भैया इस यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से ए की वैल्यू निकाला, माइनस बी आ गया, ठीक है, ए की वैल्यू निकाला तो माइनस बी आ गया, और ये ए की वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। थ्री माइनस टू, ए की वैल्यू क्या रखी, माइनस बी, तो माइनस बी रख दीजिए, माइनस बी और प्लस सी, ठीक है भैया। तो थ्री इक्वल्स टू में माइनस और एक प्लस टू बी, माइनस बी और एक क्या हो गया आपका प्लस सी, ठीक है भैया। थ्री ए का और टू बी माइनस बी का प्लस सी हो गया, ठीक है भैया, ये हो गया आपकी एक इक्वेशन बनी, ठीक है भैया। और यहाँ से आपने ए की वैल्यू क्या निकाल रखी, माइनस बी यहाँ रखिए, तो क्या हो गया माइनस वन इक्वल्स टू में माइनस टू, ए की वैल्यू क्या रखी भैया, माइनस बी, तो माइनस बी रखिए यहाँ पे, और इधर क्या ऑलरेडी माइनस बी है, तो माइनस वन इक्वल्स टू में प्लस टू बी माइनस बी, तो माइनस वन इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या आएगा आपका बी आ जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या भैया आपकी माइनस वन, बी की वैल्यू माइनस वन आ रखी है, तो देखिए भैया माइनस वन प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या भैया चार आ गई, सी की वैल्यू चार आ गई, तो भैया यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है भैया। बी की वैल्यू हमारी यहाँ पे माइनस वन आ रही है, सी की वैल्यू हमारी क्या रखी है चार रखी है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी भैया माइनस बी के बराबर, माइनस बी क्या भैया ये माइनस है और b की वैल्यू क्या रखी यहाँ पे माइनस वन, तो माइनस वन, तो a की वैल्यू क्या आगे भैया प्लस वन, a की वैल्यू प्लस वन, b की वैल्यू माइनस वन और c की वैल्यू आपकी चार रखी है बेटा। यहाँ पे हमारी ये वैल्यू फोटो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भैया, हम सारी वैल्यू को पुट कर रहे हैं, बिटोरो भैया। भाई जी आपकी मैंने एक इक्वेशन बनाई थी v इक्वल्स में k p अपॉन l की पावर a और eta की पावर b और r की पावर क्या था भैया c था, ये हमारी इक्वेशन थी, ठीक है भैया। यहाँ पे k p अपॉन l की पावर a थी, a की वैल्यू क्या आ गई है वन, वन लिख दीजिए। eta की पावर क्या b, और b की वैल्यू क्या रखी भैया, eta की पावर क्या भैया b, या b की वैल्यू माइनस वन आ रखी, तो eta की पावर माइनस वन हो जाएगा। और r, r की पावर क्या भैया c है, और c की वैल्यू क्या रखी भैया हमारी चार है, ठीक है भैया। इसको हमने सॉल्व किया तो v इक्वल्स में p l, और जो पावर नेगेटिव हो तो इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आइए, ये भैया r की पावर 4, ठीक है भैया। और यहाँ पर जो k की वैल्यू होती है SI सिस्टम में, स्टैंडर्ड सिस्टम में जो k की वैल्यू थी भैया वो पाई बाय 8 आती है, पाई बाय 8 जो यहाँ पे k की वैल्यू होती है कांस्टेंट यूज किया गया, उसकी वैल्यू क्या भैया आपकी पाई बाय 8 है। हमारा जो वॉल्यूम पर सेकंड का फॉर्मूला आ रहा है यानी पॉइज़न्स फॉर्मूला, वो p r की पावर 4 l eta, ये हमारा पॉइज़न्स फॉर्मूला, यहाँ पे k की वैल्यू पाई बाय 8 यूज करनी है, ये हमारा आपका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है भैया। इसे स्क्रीनशॉट में आपने ले लिया होगा पहले, ठीक है। तो भैया ये पॉइज़न्स फॉर्मूला है, ठीक है भैया, पॉइज़न्स फॉर्मूला ध्यान दीजिए भैया, आसान है फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको डायमेंशन एनालिसिस आता है वो आसानी से इसको कर लेगा, ठीक है भैया। दोबारा से मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला भैया वॉल्यूम पर सेकंड यानी वॉल्यूम अपॉन में टाइम जो है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो मैंने बताया था भैया प्रेशर पे, लेंथ पर, विस्कोसिटी पर और रेडियस पर, ट्यूब की रेडियस पर, ठीक है भैया। तो आप देखिए यहाँ पे चार फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम डायमेंशन के थ्रू केवल तीन फैक्टर वाले रिलेशन को ही ट्राई कर सकते हैं, इसीलिए हमने पी और एल को ले लिया एक एक क्वांटिटी जिसको हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है भैया। तो प्रेशर अपॉन में लेंथ कर लिया, प्रेशर ग्रेडियंट और ईटा और रेडियस, ये अलग अलग क्वांटिटी थी, ठीक है भैया। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ तीनों को कंबाइन करके इक्वेट कर दिया, कांस्टेंट लगा दिया, उसके बाद सबके डायमेंशन को लिखे, दोनों साइड में देखा कौन सा डायमेंशन राइट साइड में कौन सा नहीं है, लेफ्ट साइड में, तो जो राइट साइड में था और लेफ्ट साइड में नहीं था उसकी पावर हमने जीरो करके लिख दिया, उसको सॉल्व किया और सारे इक्वेशन को सॉल्व किया। प्रॉपर वीडियो में अगर आप देखोगे तो आपको सारी चीजें फील हो जाएंगी, आराम से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है भैया। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला आया, यहाँ पे कांस्टेंट जो लगाया था, कांस्टेंट की वैल्यू पाई बाय 8 होती है, तो इस कांस्टेंट को बाद में आप रिप्लेस कर देना पाई बाय 8, ठीक है भैया। अभी कांस्टेंट कैसे पता लगा, तो कांस्टेंट समझ लिया आपको d1 है, ठीक है भैया, इसको पता लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। क्लियर है पूरा, ये क्लियर है, ये क्लियर है भाई जी, ठीक है भैया। चलो भैया फिर भी आप लोग एक बार देख लेना वीडियो को दोबारा से, ठीक है भैया। अभी क्लास होगी और संडे को भी क्लास होगी, ठीक है भैया, थोड़ा थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है।
तो यही तक था और संडे तक हो सकता है इस चैप्टर के एक दो टॉपिक हमारे बाकी रहेगा, ठीक है भैया, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। यही सबसे मेन था, हार्ड था थोड़ा सा लेकिन आसान है, ठीक है, हार्ड था जिन उन बच्चों के लिए हार्ड होगा जो जिन्होंने वो डायमेंशन एनालिसिस नहीं कर रखा होगा, ठीक है भैया, मिलता है अगली क्लास में, टाटा बाय।